अंता में 10वीं बोर्ड घोषित परिणाम में प्रिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं क्लास में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्रों का फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया, साथ ही मीठा मुंह करवाया। शाला के व्यवस्थापक दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं क्लास में हर्षित गोचर 90, रिधिका गोचर 86.67, अलशिफा बानो 82, योगेश पोटर 80, समीर अहमद 79.17, दिव्या सुमन 77.67, दिव्यांश शर्मा 77.67, साक्षी मीणा 59.50, नवदीप कौर 67.83, दिशा मालव 66.63, फिजा अंसारी 65.67, पीयूष कोचर 65.33, शिवानी सुरावत 60.83% अंक प्राप्त किए। शाला निदेशक लेखराज गोचर व शाला परिवार की ओर से सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान दुर्गा शंकर शर्मा, हरिओम तिवारी, देवेंद्र सिंह, श्रद्धा पटेल सहित अन्य जन मौजूद रहे। मेरा नाम अलशिफा अंसारी है, मैं क्लास 10th प्रिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंता से हूँ और हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे सभी टीचर्स अच्छे हैं। अभी आपने कितनी परसेंट बनाई? मैंने अभी 10th में 2010th में अभी 82% बनाई है। ये आपके जो पढ़ाई का श्रेय हैं, आप किसको देना चाहते हैं? ये मेरे जो इतने अच्छे अंक आए ना, उनका श्रेय मैं हमारे सभी टीचर्स को देना चाहती हूँ। आपका विद्यालय का वातावरण और क्या कहता है? विद्यालय का वातावरण बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे सभी रूल्स हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सभी टीचर। मैं अर्षित गोचर, प्रिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंता, 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ और मैंने 10th क्लास में 89.50% प्राप्त किए और इसका श्रेय मेरे गुरुओं को देता हूँ जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ का जो और शिक्षा का अनुशासन और के कैसा है यहाँ का? हमारे स्कूल की शिक्षा बहुत ही अच्छी है और प्रिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरे अंता में अनुशासन के मामले में नंबर 1 पर है। बलरामपुर चीनी मिल इकाई तुलसीपुर के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार तथा केन हेड श्री विपिन कुमार के दिशा निर्देशन में पैड़ी प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय प्रभारी उमाशंकर गुप्ता के द्वारा क्षेत्र के खैरहनिया, धनुहनिया, कंदेला, हरैया भी आदि गांवों के किसानों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागृत किया गया तथा सभी किसानों को सलाह दी गई कि वे पेड़ी में समय से निराई गुड़ाई सिंचाई के पश्चात यूरिया का एप्लीकेशन समय से करें क्योंकि पौधे गन्ने से पेड़ी गन्ने में अधिक पैदावार प्राप्त होती है। क्षेत्र के संबंधित क्रय केंद्र धनुहिया, कंदेला, हरैया भी तथा खैरहनिया से संबंधित सभी ग्रामों में प्रचार प्रसार किया गया। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तुलसीपुर चीनी मिल के तरफ से आप सभी किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि आप पेड़ी गन्ने में अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें जो भी बड़े बड़े खरपतवार हैं उनको उखाड़ दें, उनको समय से निराई गुड़ाई करें तथा साथ ही साथ इस समय तपती धूप है, ज़्यादा धूप है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आपको चाहिए कि उसमें समय से सिंचाई दें। सिंचाई करने के पश्चात यूरिया का प्रयोग जरूर करें। पौधे गन्ने से ज़्यादा पेड़ी में मुनाफा है, अतः आपको आप सभी किसान भाइयों से बारंबार अनुरोध है कि आप अपने पेड़ी गन्ने की देखभाल करें और अधिक मुनाफा कमाएं। आपके सहयोग में सदैव तत्पर तुलसीपुर चीनी मिल। धन्यवाद। तरफ से प्रचार वाहन आया है कि जो पेड़ी में खर पतवार है उसको निकाल दें, गुड़ाई करें और सिंचाई करने के बाद 10-15 किलो यूरिया ट्रॉप ड्रेसिंग करें जिससे अच्छा पैदावार हो। भाई पेड़ी में ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। पौधे से ज्यादा पेड़ी देता है। हाँ जी। पौधे से अगर आप कायदे से उसमें मेहनत कर दें जी तो पौधे से भी ज्यादा नफा पेड़ी देता है। अच्छा, पौधे से ज्यादा नफा हाँ। देता है तो आप भी जो है पेड़ी में अच्छी पैदावार लेंगे। हाँ जी, हैं? हाँ जी, अगले साल पौधे से भी ज्यादा गन्ना हम काटेंगे उसमें। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव में क्षेत्राधिकारी
तुलसीपुर राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना पचपेड़वा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 2/6/2023 को थाना पचपेड़वा की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभिगण ओमपाल पुत्र राम प्यारे निवासी विशुनपुर कोडर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर जगराम पुत्र राम विलास निवासी मझगवां खुर्द थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर को मझगवां करबला के पास पक्की सड़क के किनारे भदोही मोड़ से गिरफ्तार कर अभियुक्त गणों को न्यायालय रवाना किया गया। बलरामपुर में कल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में वादी विष्णु शुक्ला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि जब ये बैंक में अपना पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे तो दो बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा इनका जो पैसा था बैग के सहित लूट लिया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि बैग में 4,08,000 रुपये थे। ये मारुति सुजुकी के एक एजेंसी में ये कैशियर और अकाउंटेंट का काम करते थे। इस तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इसमें जो जिस डायरेक्शन में इनके द्वारा बताया गया था कि जो बाइक सवार हैं वो भागे हैं वहाँ पे तत्काल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाया गया था, पर कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह का दिखा नहीं। फिर इनका मूवमेंट, जो वादी है इसका मूवमेंट ट्रैक किया गया तो रास्ते में एक फुटेज मिली जिसमें इनके पास बैग नहीं था, वहाँ से इनके ऊपर जो संदिग्ध है इनकी भूमिका नज़र आई। फिर इनसे जब गहनता से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा पूरी की पूरी घटना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी लगभग 18 मई के आसपास इन्होंने कंपनी के कुछ पैसे लगभग 3,00,000 के आसपास निकाल लिए थे और उसको इन्होंने कहीं शेयर मार्केट, बिटकॉइन और तमाम जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया गया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा हो गया था। उसी के खानापूर्ति और मैनेजमेंट के लिए इनके द्वारा कल पूरा का पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये षड्यंत्र रचा गया था जिसे लूट की शक्ल दी गई थी। इसमें जो अभियुक्त हैं, मेन मुलजिम हैं, जो वादी भी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा जो पैसा था उसको 4,00,000 रुपए लगभग रिकवर कर लिया गया है और इसमें टीम ने जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस चैलेंजिंग घटना का अनावरण किया है उनको 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की जाती है। सिरसागंज में कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल GI फील्ड के सामने हुई ताबड़तोड़ फायरिंग जिसमें जनहानि नहीं हुई। गाड़ियों की तोड़फोड़ एवं हवाई फायरिंग की घटना करीब शाम 7 बजे की है जब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों को सुनाई दी। कोई समझ नहीं पाया मामला क्या है, लोग तितर बितर हो गए। कुछ समय के बाद पता चला मामला जमीनी विवाद का है। आज शाम को दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद हुआ, बातों बातों में मामला इतना आगे बढ़ा कि अचानक फायरिंग होने लगी। घटनास्थल पर 3 कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए। मौके पर 4 थानों का फोर्स सहित SP City CO सिरसागंज तथा सिरसागंज थाना प्रभारी उदयवीर सिंह मलिक फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जांच चल रही है। SP City ने बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अवगत कराना है कि डायल 112 के द्वारा आज सूचना प्राप्त हुई जमीनी विवाद को लेकर थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों के बीच में हवाई फायरिंग हो रही है। तत्काल प्रभाव से थाना सिरसागंज अराव नसीरपुर नगला खंगर की फोर्स के साथ मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर 3 खोखे बरामद हुए हैं, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है। FIR पंजीकृत करके दोषियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र केजरीवाल बन गवां पड़ाइन गांव के बगीचे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 32 वर्षीय व्यक्ति की लाश पेड़ से लटकती मिली, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। मृतक व्यक्ति की पहचान अनिल कुमार चौबे के रूप में हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं मामले को लेकर CO जयराम ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बनगवां पड़ाइन गांव के बगीचे में एक लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। जी, मेरा नाम सचिन चौबे है, मैं उनके चाचा का लड़का हूँ और मेरा भाई अनिल चौबे नाम था, डॉक्टर अनिल चौबे BMS किए हुए थे। वो जमुनी में क्लिनिक डाले हुए थे, डेली उनका अप डाउन रहता था आने जाने का। 9:30 बजे तक मॉर्निंग में निकलते थे, रात को 7:30 से 8 के बीच में घर पे पहुंचते थे। लेकिन कल जब मेरा भाई अपना अजगरा से उनको लेने के लिए अपने मेडिकल से आया इधर इनको लेने के लिए, तो पता चला कि वो इधर है नहीं। तो हम लोग इधर उधर पूछ मतलब मेरा भाई पूछने लगा सुधीर कुमार चौबे कि ये है कहाँ पर।
तो उधर के रहने वाले सब लोग बोले कि वो तो कोई गाड़ी आया था उनके साथ में, वो बैठ के गए हैं। तो बाद में जब ये घर पे आया तो मुझे बताने लगा कि वो तो भैया घर उधर दुकान पे नहीं थे। तो हम लोग इधर से ढूंढने के लिए गए कि फिर बात क्या है, कहाँ पे हैं। तो मालूम चला यहाँ दयालापुर में कहीं शादी था, वो लोग बोले कि हो सकता है शादी में गए हों। तो उनके घर पे गया, उनसे नंबर लिया, पता किया कि मतलब ये इधर हैं कि नहीं है। बारात में फ़ोन किया तो उधर पता चला कि उधर नहीं गए हैं। तो हम लोग उधर से वापस आए। बाद में हम लोग पूरा मतलब जितना तो आपको पता कैसे चला जी? तो वहाँ से हम लोग रात में लगभग 1-1.5 बजे तक इधर ढूंढ के लिए मतलब घर पे आए रात में। तो मॉर्निंग में फ़ोन आया बनगवा से रिलेशन वाले का कि तुम्हारे भाई का लाश इधर लटक रहा है बनगवा में। आज दिनांक 2/6/23 को सुबह सूचना मिली कि थाना पथरा बाजार बनगांव पड़ान गांव के बाग में एक अज्ञात व्यक्ति की शव पेड़ के नीचे लटका हुआ है। मौके पर पहुंचकर तस्दीक किया गया तो उसकी पहचान अनिल कुमार चौबे सन्नाप स्वर्गीय विंध्याचल चौबे ग्राम खजुरिया के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम में रवाना किया गया, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में इस साल की हज यात्रा अपने पुराने स्वरूप में लौटती नजर आ रही है। इसमें यात्रियों की संख्या लगभग 20 लाख पहुंच सकती है। सऊदी अरब के हज और उमर मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन अरबिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि रेलवे सेवा का विस्तार हो गया है। मक्का से मदीना जाने वालों के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। हज इस्लाम के सबसे अहम अरकान मक्का मदीना का दीदार यानी हज है। अकीदतमंदी की हज की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, वह मुकद्दम सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, करीबी अपना सलाम भी मदीने वालों को भेजने के लिए गुजारिश करते नजर आ रहे हैं। पिरान कलियर से आज गुलशद सद्दीकी और उनकी आहेलिया फरीद नसीब, यूसुफ त्यागी, नईम त्यागी, सायरा बानु आदि को पिरान कलियर से जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत नेपाल सीमा के जनपद बहराइच के रुपई हीड़ा में 220 करोड़ की लागत से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का आज भारत एवं नेपाल दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक साथ उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से रिमोट का बटन दबाकर इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया। उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा चेक पोस्ट है जहां से बड़े मालवाहक वाहन बिना किसी रुकावट के दोनों देशों की ओर जा सकेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत होंगे। चेक पोस्ट के उद्घाटन के समय वाहनों को हरी झंडी दिखाने पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। मैं तो बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है कि उधर भी हिंदू राष्ट्र, इधर भी हिंदू राष्ट्र, दो संस्कृतियों का मिलन का केंद्र था। और जो भी ट्रक लेके जाते थे, मालिक हों चाहे उसके ड्राइवर हों, हमारे ईश्वर स्वरूप दूसरे हैं, वो हमारे जनता जनार्दन है जो ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। उनके दर्द को समझा, इंटीग्रेटेड किया, अधिकारी परेशान न करें, समय सीमा के अंदर माल पहुँचे, विकास हो और समस्याओं के समाधान हो। और आज ऐतिहासिक पल है। यही तो कहते हैं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये कैसे प्रधानमंत्री दुनिया में हैं जो पूरी दुनिया के सुख के बारे में सोचते हैं और दुनिया के विकास के बारे में सोचते हैं। और वो पहला जीता जागता हूँ आपके सामने है कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद दूंगा, सांसद और विधायक हैं, इन लोगों ने प्रयास करके पहला इस यूपी में पहला जो हमारा लैंड पोर्ट है, ये हम ये और सौभाग्यशाली हैं उपेंदिहा के लोग। और इस बहराइच का मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आज ऐतिहासिक चढ़ है, जो एक केंद्र से एक बहुत बड़ी योजना जो दोनों देशों के मिलन है। और आराम से ट्रक आएंगे जाएंगे, इंटीग्रेटेड होगा और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का लाभ और सभी लोगों को मिलना चाहिए, जिसके लिए आज बधाई देता हूँ अपनी सरकार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।